हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत हिंदी टेक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आ गए एक न्यू वीडियो लेके। आज हम लोग बात करेंगे जो आज लॉन्च हुआ है पोको का न्यू मॉडल पोको M4 Pro 5G। इस मॉडल के बारे में आज हम लोग डिटेल्स बात करेंगे और बात करेंगे इसका क्या प्रोस है और क्या कॉन्स है, आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये भी डिटेल्स की इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रशांत हिंदी टेक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें इसका बिल्ड क्वालिटी और इसका डिजाइन के बारे में, तो इसका बैक डिजाइन आपको बहुत सारे बैक में आपका कार्ड देखने को मिलेगा और इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात बोल देते हैं, आप अगर रेडमी का नोट 11T देखे होंगे 5G वाला मॉडल, उसी का आपका रिब्रांडेड मिलेगा पोको M4 Pro 5G। तो फ्रेंड्स, उसी टाइप का आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, बैक मिलेगा आपको पॉलीकार्बोनेट का, डुअल कैमरे का सेटअप मिलेगा और फ्रंट के डिजाइन के बारे में अगर बात करें तो डॉट डिस्प्ले मिलेगा, एक 6.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग अगर इसका डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग एक 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और इसका रिफ्रेश रेट होगा 90Hz का। और टच सैंपलिंग रेट के बारे में बात करें तो इसमें 240Hz का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग इसका डिस्प्ले क्वालिटी और एनहांस करने के लिए हम लोग को DCI P3 कलर गैमट भी यूज किया गया है, जिसके लिए हम लोग का जो कलर का एक्सपीरियंस है, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा से हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इस फोन के बारे में हम कैमरे के बारे में अगर बात करें तो इसमें हम लोग को बैक साइड में रियर साइड में डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा 50MP का और एक कैमरा देखने को मिल जाएगा 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और अगर इसका फ्रंट कैमरा सेल्फी के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग 16MP का सेल्फी शूटर दिया गया है, जिसके लिए आप बहुत ही अच्छा सेल्फी शूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग इसका प्रोसेसर के बारे में बात करें, CPU के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को MediaTek Dimensity के लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि है Dimensity 810 5G, ये प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा जो कि एक 6nm बेस्ड प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर आपको 2.4GHz में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसके अगर GPU के बारे में बात करें तो इसमें आपको G57 का GPU मिलेगा, जिसके लिए आप गेमिंग या फिर बहुत कुछ एक्सपीरियंस आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में अगर बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग को 5000mAh का एक बिग बैटरी देखने को मिलेगा और इस बैटरी को चार्ज देने के लिए भी हम लोग को आउट ऑफ बॉक्स 33W का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि ये मोबाइल 33W का चार्जर सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके सिक्योरिटी के बारे में, इसमें हम लोग सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस हम लोग दोनों देखने को मिल जाएगा। इसका राइट साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है आपका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, जो कि इस मोबाइल में आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट अगर हम लोग इसका रैम टाइप और स्टोरेज टाइप के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को जो रैम मिलता है LPDDR4X का रैम मिलता है, और अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो इसमें हम लोगों को EOFS 2.2 का स्टोरेज टाइप हम लोग को देखने को मिल जाता है। हम लोग बात करेंगे इसका वेरिएंट्स के बारे में और प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो वेरिएंट्स हम लोग को तीन वेरिएंट्स देखने को मिलता है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज, और आपको लास्ट जो हायर वेरिएंट मिलता है वो है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। और अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो फोन है 15,000 से स्टार्ट होता है और 19,000 में ये खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर लास्ट में देखें मेरे ओपिनियन के बारे में अगर बात करें तो इसका जो लोएस्ट वेरिएंट है 4GB और 64GB, ये जो प्राइस है 15,000 में आता है जो Dimensity 810 प्रोसेसर के साथ आता है, लेकिन ये जो वेरिएंट है ये बहुत ही अच्छा डील है जो कि एक वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका सबसे लोएस्ट वेरिएंट आप परचेस कर सकते हैं जो कि 15,000 के अंदर है, और अगर हायर वेरिएंट आपको जाता है 19,000 तक जाता है तो भी आप देख सकते हैं इस प्राइस में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप 15,000 आपका बजट है तो इसका लोअर वेरिएंट आप परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।